उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैश्विक मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों खबर, सूची क्षेत्र की खबर। आपका अपना चैनल वैश्विक मोटन खबर दिल्ली एनसीआर से। आजकल पहाड़ी भाव क्षेत्रों में जितने भी एनसीआर में लोग रहते हैं, यहाँ पर आजकल रामलीला की शुरुआत हो चुकी है। हमारी उत्तराखंड के लोग रामलीलाओं का पुराना चलन है जो और काफ़ी सालों से दिल्ली के अंदर होती आई है। दिल्ली के ही देवभूमि सांस्कृतिक धार्मिक समिति द्वारा देवभूमि रामलीला का शुभारंभ हो चुका है। यह रामलीला काफ़ी पुरानी है और यहाँ पर इस बार लड़कियाँ भी अपना रोल अदा कर रही हैं। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी DS नेगी ने। देखिए यह रिपोर्ट। राजन, मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। अब मैं इनका हाथ आपके हाथ में देता हूं। यह हर प्रकार से आपकी संरक्षण में है। राजन, आप इनकी तनिक भी चिंता ना करें, आपका कल्याण हो। राजन, फिर मुनिदेव, चलिए। सर, ये जो विनोद नगर में आज रामलीला कराई जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारी जो देवभूमि धार्मिक सांस्कृतिक समिति है, इसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपने नौनिहालों को रामलीला के बारे में, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है रामलीला करने की, चौपाई दोहा छंद और राग रागनियों के, इसके आधार पर जो हम रामलीला करते हैं, संगीतमय रामलीला, इसको कराने का अपने नौनिहालों को इस बारे में हम अवगत कराएं, और ताकि हमारी जो संस्कृति है आगे चलती रहे। सर, ये आज रामलीला जो यहाँ पर हो रही है, आप क्या बताना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये रामलीला पिछले 9 सालों से यहाँ पर हो रही है और बहुत ही मानी हुई रामलीला विनोद नगर के अंदर। यहाँ के क्षेत्रीय रामलीला है, मतलब यहाँ जो भी कलाकार होते हैं सब यहीं से जुड़े हुए होते हैं। कोई भी यहाँ पर प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं होता, सब मेहनत करके यहाँ पर बच्चे जो है अपने 2 महीने का प्रयास करके यहाँ पर प्रभु राम की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगाते हैं। और मैं तो पिछले 35 सालों से रामलीला का मंचन कर रहा हूँ। मैं मेकअप और डायरेक्शन के मांग उसमें कार्य करता हूँ, और इस बार मुझे देवभूमि रामलीला मंचन वालों ने मुझे सेवा का मौका दिया, तो मैंने कहा चलो मैं इस बार यहाँ पर अपना जो भी मेरा अच्छा सब जो भी मैं बच्चों को प्रशिक्षण दे सकूँ, तो उसके बारे में यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से रामलीला का जो मंचन मैंने सुना है, का इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और अपनी सेवा दे रहा हूँ। हाँ सर, आप इसमें आज जो यहाँ पर रामलीला चल रही है, आप क्या इसमें भागीदारी निभा रहे हैं? मेरा नाम विनय नेगी है और मैं
रामलीला करीब मैं 20 सालों से कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा आज का रोल जो है वशिष्ठ का है और आने वाले टाइम में और भी किरदार हैं जैसे परशुराम मेघनाथ और इसके साथ यहाँ का मंचन जो है बहुत अच्छा है और पब्लिक को एक बहुत ही अच्छा संकेत जा रहा है जो कि हमारे आज के छोटे यंग बच्चे जो जो चीज़ मिस करते हैं उनको वो चीज़ उसी का चित्रण हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। सर ये जो आज देवभूमि संस्कृति धार्मिक संस्कृति जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में आप क्या बताइए सर? सर्वप्रथम तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। पिछले 10 वर्षों से देवभूमि धार्मिक संस्कृति रामलीला का मंचन इस मैदान में करती आ रही है और इसमें क्या होता है कि कला और हमारी देवभूमि की जो संस्कृति है उसका मिश्रण हम अपने दर्शकों को इस मंच के माध्यम से दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि हमारे देवभूमि की कला भी और जो रामलीला का जो अलग से मंचन होता है उसकी कला का भी मिश्रण जो है यहाँ पे दिखाई देता है, ये इसकी विशेषता है। उत्तराखंडी प्रवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे आज? उत्तराखंडी प्रवासियों को यही कहना चाहेंगे कि देखिए जब उत्तराखंडी प्रवासी सर्वप्रथम दिल्ली में आए थे या अन्य महानगरों में गए थे तो रामलीला से ही उन्होंने समाज को संगठित करने का प्रयास किया था और आज उन्हीं के द्वारा उस मार्गदर्शन को दिखाए गए प्रयासों में हम रामलीला के पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं और एकजुटता एक समाज के एकजुटता का परिचय देते आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रभु श्री राम का जिसके माध्यम से मुझे देश का जिला घूमने का मौका मिला है। इसके अलावा मैं निभा रहा हूँ कहना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब सुशील भद्र जी का और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सभी समिति और उन सभी कलाकारों का जिनके माध्यम से प्रभु श्री राम की लीला का मंचन संपूर्ण नहीं हो पा। सभी कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा जो ये रामलीला हो रही है आप उसमें क्या किरदार निभा रहे हैं? मैं मेरा नाम है सुशांत गुरेती है और मैं मारी से किरदार में हूँ और मैं काफ़ी साल से यहाँ रामलीला कर रहा हूँ। 3-4 साल हो गए मेरे को यहाँ रामलीला करते हुए तो मैं यही सीख यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ अभी सीख भी रहा हूँ तो मैं अभी आगे मेरा अंगद का रोल आएगा इसके बाद काफ़ी रोल है जैसे खर का खर भूषण का भी रोल है मेरा तो ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी अच्छी रामलीला हो रही है अभी देख सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने आइए। मेरा नाम साम्या है और यहाँ मैं सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैंने नहीं करा है, बहुत नर्वस हूँ बट सबको बहुत थैंक यू कि मुझे ये चांस दिया एंड मैं यहीं पे विनोद नगर से ही आई हूँ और अब बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस हूँ अपनी कैरेक्टर। मेरा नाम दिव्या है, मैं रामलीला है उसके 3 साल से छोटा नाम का और आने वाले उसके अलग अलग और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब इतना बड़ा अच्छी है ये करने के लिए और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज? गुड इवनिंग सर, आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं और हम ग्रेट मिशन स्कूल की तरफ से बच्चे पार्टिसिपेट हमारे 8-9 साल से कर रहे हैं। ग्रेट मिशन स्कूल की टीम है हमारी और यहीं पे है ग्रेट मिशन स्कूल तो हमारे बच्चे पिछले 8-9 सालों से ये प्रोग्राम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग डेली बच्चों का आरती में हमारे बच्चे गाड़िया में योगा में हर चीज में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए आए हैं और कर रहे हैं। कल भी उनकी आरती तो हमारे स्कूल के बच्चों से अगर हमारी आरती का शुभारंभ होता है तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है इस रंगमंच का देवभूमि का। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा